So we'll go ahead with next set of questions of kinetic theory of gases. A cylinder of capacity 20 liters, liters मतलब volume होता है, liter को तुमको meter cube में convert करना आना चाहिए, 10^-3 से multiply करोगे, is filled with H2 gas. The total average kinetic energy of the translation motion of its molecule is 1.5×10^5 joule. The pressure of hydrogen in the cylinder is. So they're asking you what is the pressure of hydrogen in the cylinder. तो आपको दिया क्या क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इज 20 लीटर्स विच इज 10^-3 मीटर क्यूब. ओके, देन आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन इज 1.5×10^5 जूल. आपका प्रेशर पूछा हुआ है, प्रेशर, तो हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 PV. ओके, सही है, बट क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देखोगे तो ठीक है, 3/2 PV से स्टार्ट कर लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 PV. तो व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, 2E/3V. ओके, तो 2E/3V, तो 2/3 E कितना है, 1.5×10^5, और V कितना है, 20×10^-3. चलो ठीक है, सिंपल, 1 × 10 × 1 × 2 × 1/2 इज 0.5. ये 10^5 है, नीचे 10^-2 है, ऊपर आके प्लस हो जाएगा, तो 10^7, तो 5×10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब पास्कल, तो 5×10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. एन मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ मास m ऑफ गैस ए एंड 2n मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ मास 2m ऑफ गैस बी आर कंटेन्ड इन द सेम वेसल एट टेम्परेचर टी. The mean square of the velocities of molecules of gas B is V square, and the mean square of x component of velocity of molecules of gas A is W square. The ratio of W square by V square is. तो हमारे पास दो different gases है, एक है A, एक है B. A में total number of molecules are n, यहाँ पे है 2n, यहाँ पे mass of each molecule is m, here it is 2m. जो बी गैस है उसका आपको बोला है मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज वी स्क्वायर, मीन स्क्वायर इज वी स्क्वायर, और जो ए मॉलिक्यूल है उसका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना, द मीन स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट, तो यहां पे सिर्फ एक्स कंपोनेंट दिया है, दैट इज डब्ल्यू स्क्वायर. आपको पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, तो व्हाट इज डब्ल्यू स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे. तो इस केस में ना सॉल्व कैसे करते हैं, अच्छे से ध्यान दो. पहले ए के लिए सिर्फ एक्स कंपोनेंट बोला है, याद रखना, बी के लिए टोटल बोला है, तो आपको बताना चाहिए व्हाट इज रूट मीन्स का वेलोसिटी, CRMS. अगर आपको याद होगा रूट मीन्स का वेलोसिटी ये होता है √3 kT/m, ठीक है. तो मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर जब बोलोगे तो रूट हटा दोगे, तो आता है 3 kT/m. देन यू शुड नो, ये जो आप लोग मीन स्क्वायर बोल रहे हो ना, ये मीन स्क्वायर जब आपने फाइंड किया था, इक्वेशन डिराइव किया था, तो वो तीन कंपोनेंट से आता है, x y और z, बराबर. तो ये जो मैं लिख रहा हूं इट इज 3 × ईच कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट. पहले केस में सिर्फ x कंपोनेंट बोला है, a के केस में व्हाट इज x कंपोनेंट, w स्क्वायर. तो अगर मैं सपोज मैं x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट प्लस z कंपोनेंट लिखता, तो लिखता w स्क्वायर x प्लस w स्क्वायर y प्लस w स्क्वायर z इज इक्वल टू 3 kT/m, क्योंकि तीन कंपोनेंट आते ना. चलो लिख ही देता हूं, आई जस्ट राइट इट डाउन. तो इफ आई राइट इट कंपोनेंट वाइज, तो मैं इसको ऐसा लिखने वाला था, ये हमने डिराइव किया हुआ है इन योर थ्री क्लासेस. फिर हम लोग बोलते हैं क्योंकि रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन में सारे कंपोनेंट्स मतलब एक्स वाई जेड कंपोनेंट सेम होते हैं, इसका मतलब आई कैन राइट इट एज
any one of the components equal to 3kT by n. आ गया, तो एक कंपोनेंट कितना आएगा, एक कंपोनेंट कितना है, एक व्हाट इज वन कंपोनेंट, kT by m. तो kT by m ये आएगा w स्क्वायर. आपको रेशियो पूछा w स्क्वायर बाय v स्क्वायर. अभी v स्क्वायर कैसे निकालोगे, ये तो बताया मैंने, हाउ डू फाइंड आउट v स्क्वायर. ये v स्क्वायर ही तो होता है, मीन स्क्वायर इज v स्क्वायर. और b गैस के लिए टोटल बोला है, मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस v स्क्वायर. लेकिन a के लिए क्या हुआ था, x कंपोनेंट. इसके लिए मैंने a के लिए क्या निकाला, सिर्फ उसका x कंपोनेंट. लेकिन b के लिए क्या बोला है, टोटल. तो टोटल सी आर एम एस, आर एम एस का रूट हटा दिया तो क्या बन गया, मीन स्क्वायर. और यही क्या है, v स्क्वायर है. और यही w स्क्वायर भी है एक्चुअली स्पीकिंग. ओके, बट देन b के लिए v स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3kT by m. लेकिन मास कितना है उधर, कितना मास था, 2m. तो v स्क्वायर इक्वल टू 3 by 2. ये kT by m क्या आया तुम्हारा, w स्क्वायर. तो व्हाट इज w स्क्वायर बाय v स्क्वायर, कितना आ गया, 2/3. मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है. दो गैस है ए और बी, आपको सिर्फ पता होना ये चाहिए कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये होता है 3kT बाय मास. फिर ये पता होना चाहिए कि जो मीन स्क्वायर है इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं और तीनों कंपोनेंट की वैल्यू सेम होती है. कौन से तीन कंपोनेंट, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट वेलोसिटी का स्क्वायर. तो मैं अगर a के लिए लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा 3w स्क्वायर इज इक्वल टू 3kT बाय m. तो w स्क्वायर बन जाएगा कितना, kT बाय m. अगर मैं b के लिए लिख रहा हूं, b के लिए आपको टोटल तीनों कंपोनेंट मिला के बोला है, सिर्फ x कंपोनेंट नहीं बोला है. तो टोटल v स्क्वायर कितना है, 3kT बाय m. लेकिन मास कितना है इस मॉलिक्यूल का, 2m. तो v स्क्वायर क्या आ गया, 3/2kT बाय m. व्हाट इज kT बाय m, w स्क्वायर. तो सॉल्व कर लोगे तो हो गया w स्क्वायर बाय v स्क्वायर इक्वल टू 2/3, ऑप्शन डी. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लास्क कंटेन्स 10^-3 m³ गैस एट अ टेम्परेचर, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर 3×10^22. द मास ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 5.3×10^-26 किलोग्राम एंड एट दैट टेम्परेचर द आर एम एस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज 400 m/s. द प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑफ द गैस इन द फ्लास्क इज, सिंपल क्वेश्चन है. What is the equation of pressure? 1/3 rho CRMS square. ये जो rho है, rho ये होता है mass per unit volume. मैं अभी mass को है ना capital M से denote कर रहा हूँ. That is total mass CRMS square. So you should know how to find out total mass. Total mass is number of molecules into mass of each molecule upon volume CRMS square. बस अभी value substitute कर दो. तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने दिए हुए, 3×10^22. मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितना दिया हुआ है आपको, हाउ मच इज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, 5.3×10^-26. व्हाट इज सी आर एम एस गिवन टू यू, 400 है ना, 400 है. तो 400 मतलब 4×100 का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम. व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10^-3. तो 10^-3 इसको सब सॉल्व करो तो 3×5.3×16 डिवाइडेड बाय 2, 10^-22 और -26, -4 और +4 कैंसिल हो गया, 10^-3 ऊपर जाके 10^+3 हो गया. ओके, 1 जा एंड 8 जा 8 3 जा 24. व्हाट इज 1/3 है क्या, चलो कोई बात नहीं, 1/3 है तो 1/3 है तो कैंसिल कर लेंगे. ओके, वेरी गुड, गुड फॉर अस, 1/3 इज गुड फॉर अस. हो गया, फिर बेटर ऑफ, इतना ही बचेगा, 3 गया. ओके गुड, पावर भी कैंसिल हो गया, गुड. व्हाट इज 16×5.3, क्यों करना है तुमको, क्यों करना क्यों है, 16×5 इज 8, 80 मतलब. तो फिर पहला नंबर 8 दिखना चाहिए आपको, देखो है
तो 8.48 इंटू 10 रेज टू हाउ मच 4, ऑप्शन ए डन, सिंपल सिंपल। वो 1/3 और 1/2 काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो 2 डिनोमिनेटर में फिट हो गया वो। दैट इज व्हाई फॉर व्हाइल राइटिंग समटाइम्स आई मेक सच स्मॉल मिस्टेक्स। क्विक 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 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस हैज अ वॉल्यूम वी एंड प्रेशर पी। एक गैस है 27 डिग्री पे मतलब 300 केल्विन पे, वॉल्यूम वी है, प्रेशर पी है उसका। ऑन हीटिंग इट्स प्रेशर इज डबल तो प्रेशर 2p हो गया एंड वॉल्यूम बिकम्स 3 टाइम्स तो वॉल्यूम बिकम्स 3v। रिजल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ क्या करेंगे। पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी मतलब पीवी इज प्रोपोर्शनल टू टी, एन और आर कॉन्स्टेंट है। तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 V2 बाई V1। P2 प्रेशर डबल हो गया, V2 वॉल्यूम ट्रिपल हो गया, तो कितना हो गया 6। तो T2 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ T1 और यहाँ पे जो T1 है 27 नहीं लिखते, इसको 300 केल्विन लिखना पड़ेगा। तो इनटू 300 केल्विन हाउ मच इज दैट 1800 केल्विन। आंसर अगर 1800 केल्विन है तो केल्विन में नहीं है, तो इसमें से 273 माइनस कर लो डिग्री सेल्सियस, तो 1527 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी। तो 1800 डिग्री सेल्सियस जानबूझ के ऑप्शन में दिया है सो दैट यू मेक अ मिस्टेक। Quick, 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 quick. Next question. ये क्वेश्चन हमने रेगुलर कोर्स में सॉल्व किया है, इफ यू रिमेम्बर, आंसर भी याद है मेरे को, तो 900 मीटर क्यूब आता है मोर और लेस, है ना। अ बलून कंटेन्स 500 मीटर क्यूब ऑफ हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है और प्रेशर दिया है। द वॉल्यूम ऑफ द हीलियम मतलब सेम टाइप ऑफ गैस है एट -3, वो माइनस है, -3 डिग्री टेम्परेचर एंड 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी। सिंपल क्वेश्चन है, V2 पूछा है आपको, वही सेम फॉर्मूला, सेम प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, सेम रिलेशन, पीवी इज प्रोपोर्शनल टू टी, तो वी इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी। तो वी टू बाई वी वन इज इक्वल टू टी टू बाई टी वन एंड पी वन बाई पी टू। ओके, तो वी टू बाई वी वन इक्वल टू टी टू, टी टू कितना है -3, कितना जाएगा केल्विन में 270। T1 कितना है, T1 27, तो कितना आएगा 300। P1 is 1 atmospheric pressure और P2 is 0.5, पता तो हो गई, 9/10, वेरी गुड। तो V2 इक्वल टू 9/5 टाइम्स ऑफ V1, तो 9/5 टाइम्स ऑफ V1 था 500, तो ये आ गया 900, 900 मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट, लिखने का काम थोड़ा फास्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लास्क इज फिल्ड विथ 13 ग्राम, ये भी हुआ है, 1 ग्राम आंसर है। अ फ्लास्क इज फिल्ड विथ 13 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। मास दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन का, एंड इट्स टेम्परेचर इज रेज टू, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया 52 डिग्री सेल्सियस कर दिया। द मास ऑफ द गैस दैट हैज टू बी रिलीज्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द फ्लास्क एट 52 डिग्री सेल्सियस एंड द प्रेशर रिमेनिंग द सेम। हमारे पास एक फ्लास्क था जिसमें 13 ग्राम ऑफ आइडियल गैस था 27 डिग्री पे, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, तो प्रेशर बढ़ेगा। तो उन्होंने बोला है कि हमको प्रेशर नहीं बढ़ाना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, राइट। तो कितना गैस को रिलीज करना पड़ेगा, ओके, तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। एम टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा क्यों? क्योंकि पी वी इक्वल टू एनआरटी, और पी वी इक्वल टू एन मतलब मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ओके, आरटी, इसमें प्रेशर कांस्टेंट बोला है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट ही है, क्योंकि कहीं भी नहीं बोला कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। फ्लास्क है, फ्लास्क का क्या वॉल्यूम बढ़ाओगे? तुमने एक बार कंटेनर बना लिया, बना लिया, तो पी और वी दोनों कॉन्स्टेंट है, गैस सेम टाइप का है वो भी कॉन्स्टेंट है, आर भी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब एम टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब एम वन टी वन इक्वल टू एम टू टी टू। यहाँ से तुम पहले एम टू फाइंड कर लो, तो एम टू इक्वल टू एम वन टी वन बाई टी टू। एम वन था 13 ग्राम्स, टी वन 325, ओके, 25 का टेबल पता होगा, पता है क्या? हाउ मच 12 था एंड 13 था, ये हो गया कैंसल, तो कितना आ गया 12 ग्राम, राइट। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो 52 डिग्री सेल्सियस पे फ्लास्क कैन ओनली कीप 12 ग्राम ऑफ मास। तो व्हाट इज, हाउ मच इज द मास दैट शुड बी रिलीज्ड? एम वन माइनस एम टू, तो 13 में से 12 माइनस कर लिया तो 1 ग्राम शुड बी रिलीज्ड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइप का भी क्वेश्चन हुआ है, या फिर शायद यही क्वेश्चन हुआ है कंप्लीट कोर्स में। द एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ मास m एट अ कांस्टेंट प्रेशर p इज गिवन बाय स्ट्रेट लाइन d। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ मास m एट कांस्टेंट प्रेशर p इज गिवन बाय स्ट्रेट लाइन d, d दिख रहा होगा तुमको। देन द एक्सपेंशन ऑफ सेम आइडियल गैस ऑफ मास 2m एट प्रेशर p बाय 2 इज गिवन बाय स्ट्रेट लाइन, कौन सा स्ट्रेट लाइन, ऐसा पूछा है। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अरे ऐसा टाइप का हुआ था, तुमने तो बोला हुआ है, तो बताओ अभी वाई एक्सिस में क्या है, एक्स क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, पहले प्रेशर कितना था पी, अभी कितना है पी बाय टू, तो बताओ क्या करेंगे, सोचो और बताओ क्या करेंगे। What will you do? When you have set of lines ना, तो स्लोप यूज करके तुमको इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। तो मैंने हिंट तो दे दिया दैट यू आर सपोज टू यूज स्लोप।
Okay, too much of time. You are taking too much of time to solve such a question. यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो. क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मास एम था, प्रेशर पी था. मास एम था, प्रेशर पी था और ग्राफ है. ठीक, मास एम, प्रेशर पी, बाद में मास टू एम, प्रेशर पी बाई टू. तो यू शुड नो इन दिस केस यू हैव पी वी इक्वल टू और प्रपोर्शनल टू एम टी. पी वी इक्वल टू एन आर टी या फिर एम अपॉन कैपिटल एम आर टी. आर कॉन्स्टेंट है और कैपिटल एम कॉन्स्टेंट है, मतलब मॉलिक्यूलर मास कॉन्स्टेंट है, क्योंकि गैस क्या बोला है, सेम. तो ये आ गया, सही है, करेक्ट है. मैं प्रपोर्शनलिटी की जगह पे वन लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ. अब V इक्वल टू एम बाई पी इंटू टी, ये पता है कौन है, स्लोप है, क्योंकि ये तुम्हारा वाई है और ये तुम्हारा एक्स है. वाई इज वॉल्यूम एंड एक्स इज टेम्परेचर, तो ये कौन हो गया, कौन हो गया ये स्लोप. पहले जब प्रेशर पी था, मास एम था, तो लाइन क्या था, डी. क्या था लाइन, डी. और डी की अगर टू लिखा हुआ था, ऐसा शायद है कि स्लोप इज टू, मान सकते हो. ओके, तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि एम बाई पी फॉर लाइन डी इज इक्वल टू टू, स्लोप इज टू. गुड, अब मुझे अगर मास मास टू एम बोला है तो मैं मास टू एम करूंगा. प्रेशर कितना करूंगा, पी बाई टू. प्रेशर पी बाई टू कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर एम बाई पी, सही ना, फोर एम बाई पी. लेकिन ये एम बाई पी की वैल्यू कितनी है, टू, तो फोर इंटू कितना हो गया, एट. तो एट कहाँ दिख रहा है, एट कहाँ दिख रहा है, ए के लिए, तो लाइन ए के लिए, तो लाइन ए मतलब ऑप्शन नंबर डी. तो ऐसा सॉल्व होता है ये क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ऑलवेज रिमेंबर इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कि तुमको स्पेसिफिकली लाइन डी ऐसा क्यों बोला होगा, क्योंकि लाइन डी का स्लोप यूज करना है. इसके लिए स्पेसिफिकली बता दिया ना कि जब मास एम था, प्रेशर पी था, तो लाइन डी है, उसके आगे टू लिखा है, तो वो स्लोप होगा. ओके, गुड. एट क्वेश्चन. अ गैस इन कंटेनर ए is in thermal equilibrium with another gas in container B. What is the meaning of thermal equilibrium? Temperatures are same. Very good. Both contain equal masses of the two gases in the respective container. Mass in A equal to mass in B. Which of the following can be true? इनमें से क्या true हो सकता है? Thermal equilibrium मतलब temperature is same, masses are same, MA equal to MB. तो what can be true? तो व्हाट कैन बी ट्रू बता दो. पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी. तो पी वी इक्वल टू क्या हो गया, एम आर टी बाय एम टी, करेक्ट, राइट. आर बाय एम अगर कांस्टेंट हुआ, तो अगर ये कांस्टेंट हुआ, एम सेम है, टी भी सेम है, तो पी वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, मतलब पी ए वी ए इक्वल टू पी वी वी वी. अगर दोनों गैसेस सेम हुए तो, कहां बोला है कि सेम नहीं, तो पी ए वी ए इक्वल टू पी वी वी बी तो कैन नॉट बी सेम, सही है, वो सेम नहीं हो सकता, क्योंकि तो कहीं बोला ही नहीं है कि सेम गैस है. अब पी ए इक्वल टू पी वी, वी ए नॉट इक्वल टू वी बी, प्रेशर सेम और वॉल्यूम नॉट सेम, व्हाट डू थिंक हो सकता है, क्यों? सही है, अगर प्रेशर सेम हो गया
अगर प्रेशर कांस्टेंट बना दिया मैंने इस इक्वेशन में, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, सही है ना, बराबर। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, तो अगर प्रेशर सेम है तो वॉल्यूम सेम नहीं है क्योंकि गैस का टाइप सेम नहीं है। तो अगर प्रेशर सेम है, लुक इस इक्वेशन में, इफ प्रेशर इज सेम मतलब कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, और गैस का टाइप सेम नहीं है तो वॉल्यूम इज नॉट सेम, तो ऑप्शन बी हो सकता है, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है। तो चेक करो आगे, अब अगर प्रेशर सेम नहीं है वॉल्यूम सेम है, अगर वॉल्यूम सेम है, इफ वॉल्यूम इज सेम मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, तो अगर वॉल्यूम सेम है तो प्रेशर सेम नहीं है, ऑप्शन सी। तो मल्टीपल करेक्ट में गया ये अब, और ये करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन कैन बी इधर बी और सी। अगर सीईटी में ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम दोनों में से कोई भी एक टिक करोगे तो यू गेट मार्क्स, डन। तो देखो दिया लिखा हुआ है आंसर की में बी और सी, क्लियरली मेंशन किया है बी और सी। और अगर गैस का टाइप सेम कर दिया तो P1V1 = P2V2 मतलब PAV = PBV, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 100% हमने सॉल्व किया है रेगुलर कोर्स में, फुल कोर्स में। टू कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है मतलब V1 = V2 है, कंटेन द सेम गैस एट प्रेशर P1 एंड प्रेशर P2, प्रेशर्स आर नॉट सेम, वॉल्यूम्स आर सेम, एंड एब्सोल्यूट टेंपरेचर T1 एंड T2 टेंपरेचर्स आर आल्सो नॉट सेम। ऑन ज्वाइनिंग द वेसल्स, दोनों वेसल्स हमने ज्वाइन कर लिया, द गैस रीचेस अ कॉमन प्रेशर P, कॉमन टेम्परेचर T, द रेशो P/T इज इक्वल टू, ये नीट का भी PYQ है। और इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो ऐसा है ना, हमारे पास दो कंटेनर है, तो वी हैव लेट्स से टू कंटेनर्स, ये पहला कंटेनर, देन यू हैव सेकेंड कंटेनर। पहले कंटेनर में और सेकंड कंटेनर में वॉल्यूम सेम है, तो V1 = V, V2 = V, प्रेशर्स आर नॉट सेम, प्रेशर इज P1, हियर इट इज P2, टेम्परेचर आर नॉट सेम, हियर इट इज T1, हियर इट इज T2, डेफिनेटली नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट सेम, N1 एंड N2। अब इन दोनों को तुमने ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन कर दिया तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू इनिशियल इज N1 + N2। फिर आपको पता है PV = NRT होता है, तो N = PV/RT होता है, तो N1 will be P1V1, लेकिन V1 is V upon RT1, and N2 is P2V2, लेकिन V2 is again V RT2, right? और N final will be P final V final upon RT final, लेकिन P final को P बोला है, V final is V1 plus V2, that will become 2V upon RT final को T बोला है, तो ये बन गया आपका 2V, V1 is V, V2 is V, तो 2PV upon RT। अब ये सब equation number 1 में substitute कर दोगे, तो equation number 2, 3 और equation number 4, ये equation number 1 में substitute होगा, तो from 1, 2, 3, 4, from 1, 2, 3, 4, एंड फाइनल, और एंड फाइनल 2PV अपॉन RT इक्वल टू N1 P1V upon RT1 प्लस
पी टू वी अपॉन आर टी टू, तो टू पी वी इक्वल टू टू पी वी बाय आर टी इक्वल टू वी बाय आर कॉमन निकाल लो, पी वन बाय टी वन प्लस पी टू बाय टी टू। क्या क्या कैंसिल हो गया, वी और आर, और टू शिफ्ट कर दिया, तो पी बाई टी इज पी वन बाई टू टी वन प्लस पी टू बाय टू टी टू, हो गया ऑप्शन बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रिमेंबर द सेम क्वेश्चन, दे मे आस्क यू इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर बाय गिविंग यू वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पी वन टी वन पी टू टी टू। लेट वी बार वी आर एम एस एंड वी पी रिस्पेक्टिवली डिनोट द मीन स्पीड रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। The mass of molecule is m, then no molecule can have speed greater than root 2 vrms, no molecule can have speed less than most probable by root 2, most probable speed is less than v bar is less than vrms, the average kinetic energy of a molecule is 3 by 4 m v most probable square। So sabse pehle v bar matlab mean speed, VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, और VMP इज मोस्ट प्रोबेबल। तो सबसे पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए, यहाँ ध्यान दो, ये आगे भी काम में आएगा इसलिए ध्यान दो। VRMS, VAverage, अभी VAverage को मैं ऐसा या ऐसा लिख सकता हूँ, और V मोस्ट प्रोबेबल, इन सब में ना कुछ चीज़ें कॉमन है और कुछ चीज़ें कॉमन नहीं है, तो KT/M का रूट कॉमन है, ये तुमको देखने को मिलेगा हर जगह पे। आरएमएस में ना यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 8 बाय पाई होता है, और यहाँ पे 2 होता है। अगर ये याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये भी और उसके आगे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे इस पे, हमारे सेट में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे अभी ये तीन वैल्यूज देख के बताओ विच इज द करेक्ट आंसर। सी, दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि देखो अब इफ यू सी प्रॉपरली ये रूट थ्री है, रूट थ्री 1.732, ये रूट टू है 1.414, ये तो समझ में आ गया कि वी आर एम एस इससे तो ज्यादा ही है, ठीक है। 8 बाय पाई 2 point something, ये 2 है, रूट ऑफ 2 है, ये रूट ऑफ 2 point something, ये रूट 3 है, सबसे ज्यादा कौन है, उसके बाद ओके देख लो सबसे ज्यादा कौन है, वी आर एम एस, फिर एवरेज, फिर एम पी, ऑप्शन सी खत्म, डन, दिस इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सिर्फ फॉर्मूलास पता होने चाहिए, और ये स्टेट बोर्ड में कवर नहीं होता ना, लेकिन सीईटी में क्वेश्चन आते हैं इस पे। वैसे नीट का भी PYQ है, बट आज इन स्लाइटली डिफरेंट वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस विथ गामा वैल्यू ऑफ 1.5 इज एक्सपैंडेड एडियाबैटिकली, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, हाउ मेनी टाइम्स हैज द गैस टू बी एक्सपैंडेड टू रिड्यूस द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल 2 times। तो पहले तो एडियाबैटिक बता दिया यहाँ पे, मतलब अभी तक थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग गए नहीं, पहले ही थर्मोडायनेमिक्स यूज करना पड़ेगा हमको, कोई बात नहीं। एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ऐसा पूछा है हाउ मेनी टाइम्स द गैस हैज टू बी एक्सपेंडेड, हाउ मेनी टाइम्स द गैस हैज टू बी एक्सपेंडेड, मतलब V2 फाइंड कर लो पहले, सो दैट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रिड्यूसेस टू रिड्यूस द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल 2 times, मतलब जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना ये हाफ होनी चाहिए, 2 times से रिड्यूस होना चाहिए, मतलब हाफ होना चाहिए। यू नो दैट सी आर एम एस इज प्रपोर्शनल टू
अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, सही है इक्वेशन वन। बट इफ यू रिमेंबर हमने कल के लेक्चर में देखा था, वेरी गुड एक्सेलेंट ओके, तो टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन वी रेज टू गामा माइनस वन, यहां रूट टी है तो यहां भी रूट टी लाना पड़ेगा। तो व्हेन आई टेक रूट, व्हेन आई टेक रूट, रूट मतलब पता है रेज टू हाफ करना, तो यहां पे क्या आ जाएगा वी माइनस वन गामा माइनस वन अपॉन टू, सिर्फ रूट ले लिया, एग्री पक्का पक्का। तो सी इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी इक्वेशन वन, लेकिन रूट टी इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी रेज टू गामा माइनस वन बाई टू, तो देयरफॉर फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू व्हाट डू यू सी, सी इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी रेज टू गामा माइनस वन बाई टू, करेक्ट। हमको क्या चाहिए था, हमको पूछा था कि कितने टाइम्स हमको वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम कितना बढ़ाना पड़ेगा, दिख रहा है ये कम होगा तो वो बढ़ेगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन आ गया, ओके सही है गुड। अब एक काम करो ना, गामा की वैल्यू तुमको दी हुई है यूज कर लो, तो सी इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी रेज टू 1.5 माइनस वन बाय टू, ओके तो 1.5 माइनस वन इज 0.5 और बाय टू तो 1/4, तो सी इज प्रोपोर्शनल टू ओके वी रेज टू 1/4। मुझे यहां पे पावर वन चाहिए तो रेज टू क्या करूंगा, फोर करूंगा बराबर, तो सी रेज टू फोर इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय, तो वी इज सी बाय फोर, हो गया क्वेश्चन खत्म। V2 by V1, 16 आंसर आएगा, V2 by V1 is equal to C1 by C2 raised to 4, okay, inverse relation था, yes, what is C1 by C2, 2, so 2 raised to 4, answer is 16, so 16 times, option B, done. Next question, this question was also solved in our regular course. A box containing n molecules of a perfect gas at a temperature T1 and pressure P1. So a box hai jisme n molecules hai ideal gas ke at temperature T1 pressure P1. The number of molecules in the box is doubled. To pehle n tha to abhi 2n kar doge. Keeping the total kinetic energy of the gas same as before. Energy same rakha lekin number of molecules double kar diye. If the new pressure is P2, temperature is T2, then सबसे पहले you should know energy of each molecule. अगर आप इसको monatomic लो, diatomic लो, non-rigid diatomic लो, या फिर आपको लेना है तो polyatomic ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको जो लिखना है वो लिखो, 3/2 kBT, yes, 5/2 kBT, yes, लेकिन kBT दिखना चाहिए, okay? तो energy is, let us say, 3/2 kBT, ये एक molecule का हुआ, तो n मॉलिक्यूल का कितना हो गया n kBT, सही है। टेम्परेचर पहले T1 था, बाद में T2 हो गया, तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है बराबर, करेक्ट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, n भी कांस्टेंट नहीं है, तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा nT, k भी तो कांस्टेंट है, सही है ना, राइट। इसको मैं अलग तरीके से भी लिख सकता हूँ, आई कैन से दैट कि एनर्जी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, एनर्जी कॉन्स्टेंट ना, सेम बोला है ना, तो इसका मतलब पता है nT इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर ऐसा है तो n1 t1 equal to n2 t2, तो n1 is n, t1, n2 is 2n, t2, तो t1 is 2t2 या तो t2 is t1 by 2, तो t2 is t1 by 2, इन दोनों में से एक, ओके, तो ऑप्शन इतनी आएगा। अब यही nt equal to constant, what is, how do you write out nt, अभी प्रेशर बाकी रहेगा ना, तो प्रेशर के टर्म्स में लाओ ना, आइडियल गैस इक्वेशन क्या करेंगे, हाँ PV इक्वल टू NRT, आगे PV इक्वल टू NRT, लेकिन N क्या होता है, हाँ ओके ठीक है ना, वेरी गुड। NT क्या मिल गया यहां से तुमको, NT N नहीं, मेरे को NT का फॉर्मूला बता दो ना, Na बाय R PV, ये क्या है कांस्टेंट है, तो NT इज प्रोपोर्शनल टू PV, वॉल्यूम सेम है क्या, यस वॉल्यूम सेम है ना, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो फिर NT इज प्रोपोर्शनल टू P,
लेकिन अगर एन टी एज ए प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट तो पी भी क्या है, तो देयरफॉर सिंस एन टी इज कॉन्स्टेंट इट ऑल्सो मीन्स दैट पी इज कॉन्स्टेंट, मतलब पी वन इज इक्वल टू पी टू हो गया ऑप्शन सी। Quick. You know what is Dalton's law? Total pressure exerted by a mixture of gas is equal to sum of partial pressures. तो मेरे पास अगर एक कंटेनर है उसमें तीन चार टाइप के गैसेस है तो टोटल प्रेशर P इज P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, मतलब सारे गैस मिला के टोटल प्रेशर लगाते हैं, दैट इज वॉट इट मीन्स। अगला क्वेश्चन, तो दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन Dalton's law. The capacity of a vessel is 3 liters. It contains 6 gram oxygen, 8 gram nitrogen and 5 gram carbon dioxide mixture at 27 degree Celsius. If R value is 8.31, वैसे R की value 8.31 की जगह पे 25/3 लिख लेना अगर जरूरत पड़े तो, right? जूल पर मोल पर केल्विन, then the pressure of the pressure in the vessel in newton per meter square is. तो इसके लिए Dalton's law चाहिए. Total pressure is sum of partial pressures. What is pressure? PV equal to nRT. So P is nRT by V. सही है ना? तो nRT by V. N1, R constant है, temperature constant है क्योंकि तीनों के तीनों gases same container में है, तो जो भी उस container में temperature होगा तीनों का होगा, कितना है 27, और volume भी क्या है same. तो plus N2 RT by V plus N3 RT by V. नेक्स्ट टाइम से व्हाट आई वांट टू सी इज दैट यू राइट डाउन RT by V N1 प्लस N2 प्लस N3. R की वैल्यू मैंने बोला तुम नोट कितना 25/3, टेम्परेचर 27 है तो कितना बन गया 300, वॉल्यूम कितना दिया हुआ आपको 3 लीटर्स 10^-3. नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हो, चलो ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ये, तो मैं सिर्फ यहाँ पे अभी एक काम करता हूँ क्योंकि हमारे पास मास दिया हुआ है, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट m1/m1 प्लस स्मॉल m2/m2 प्लस स्मॉल m3/M3, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। R की वैल्यू 25/3, टेम्परेचर इज 300, वॉल्यूम इज 3 लीटर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 लीटर्स इज 3×10^-3. पहला गैस कौन सा था, ऑक्सीजन 6 ग्राम, ऑक्सीजन इज O2, वॉट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2, 32, किसने 16 बोला इसके लिए, आई थिंकिंग 16 कैसे हो गया, 16 इज मोनोटॉमिक ऑक्सीजन, वॉट इज ओजोन, तो उसका कितना गया 48, प्लस दूसरा गैस कौन सा बोला है, नाइट्रोजन 8/28, तीसरा क्या बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हाउ मच इज कार्बन 12 और O2 इज 32, तो 44. ओके गुड, तो 1 जा एंड ऑफ कोर्स 100 जा, ठीक है 25/3 आ ही गया, तो 8.31 तो आ ही गया, तो 8.31, चलो इसको आखिरी में मैं सॉल्व करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, दिस इज 10^5, 10^2 और 10^3, 6/32, 3/16 है ना, एक काम करो 4 कॉमन निकाल लिया, यस, तो 6/8, 8×4=32 था ना, 8/7 और 5/11, अभी सॉल्व करते बैठो, दिस इज 3/4, तो 25
by 3 into 4, 10 raised to 5. 3 by 4 is 0.75. 8 by 7 is 1 point something. मैं तो से अप्रोक्सीमेटली बता सकता हूँ इसको, लेकिन ठीक है, अप्रोक्सीमेट सही हो जाएगा वो. 1 point something. 8 by 7 is 1.14. अप्रोक्सीमेट करने का तो भी होता है. दिस इज 5/11, मतलब 1/2, रफली 0.5, रफली बोला मैंने. अभी इतना एग्जैक्ट कर ही रहे हैं तो थोड़ा कर लेते हैं. कैलकुलेटर ऑल्सो फील गुड, उसको यूज कर रहे हैं तो हम लोग 0.4545, तो 0.45 तक ठीक है. दैट्स ओके. 0.45 और 0.75, 1.2 और 1.14, 3.14, 1.2 और 1.14 is 3.14, 1.2 और 1.14, 1.14 और 1.2, हाँ 2.34, 3.14 नहीं, 2.34, करेक्ट, बराबर बताओ. अगला क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ केटीजी फॉर द क्रैश कोर्स ऑफ कोर्स. अ गैसियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 16 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. द रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी ऑफ द मिक्सचर इज. सीपी बाई सीवी मतलब ग्यामा. आपको पता होना चाहिए ग्यामा मिक्सचर कैसे फाइंड करते हो. एन वन ग्यामा वन प्लस N2 gamma 2 upon N1 plus N2. Okay. इसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स दिए होते हैं. कहीं पे तुम डायरेक्ट कर सकते हो, कहीं पे ना आपको CP ऑफ मिक्सचर अलग निकाल के देंगे, CV अलग निकाल के देंगे. मतलब CP ऑफ मिक्सचर क्या आएगा, N1 CP1 plus N2 CP2 upon N1 plus N2 CV1, N1 CV1 plus N2 CV2 upon N1 plus N2 will be CV mixture. तो CP मिक्सचर अपॉन CV मिक्सचर विल बिकम गामा मिक्सचर. यार डायरेक्टली ऐसा कर लो, ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 16 ग्राम ऑफ हीलियम, 16 ग्राम ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे आपको. 4 मोल्स पक्का. हाउ डू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन, वेरी गुड. तो N1 इज बेसिकली M1 बाय कैपिटल M1, ये है 16 और हीलियम 4. HE होता है वो, इनर्ट गैस है, HE2 मत बना देना उसको. ओके, तो कितना आ गया 4. N2 कितना है 16 ग्राम. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज O2, तो कितना आ गया 1/2, मतलब 0.5 मोल्स. ठीक है, और अभी तुमको पता लग ही गया, क्या पता लग गया तुमको, हीलियम क्या है, इनर्ट गैस, मोनो एटॉमिक, तो कितना 5/3, और ऑक्सीजन क्या है 7/5. ओके, सब्स्टिट्यूट कर दो. N1 4, गामा 1 5/3, N2 और गामा 2 7/5 अपॉन 4 प्लस. ओके, वेरी गुड. ओके, हाउ मच, 20/3 प्लस 7/10 अपॉन 4.5 रेशो. अच्छा फ्रैक्शन है फिर तो दिक्कत ही नहीं है. इट इज 6 पॉइंट समथिंग, इट इज 0.7, 6 पॉइंट समथिंग प्लस 0.7 इज अप्रोक्सीमेटली 7, 7 अपॉन 4.5, 7/4.5. ओके, तो 7/4.5, अरे आंसर नियर दिए हुए है, एग्जैक्ट करना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली आंसर्स आर नियर, 1.59 के आसपास आना चाहिए. दिस इज व्हाट आई थिंक. 20 डिवाइडेड बाय 3, 6.66 प्लस 0.7
7.3666 डिवाइडेड बाय 4.5 1.63, तो 1.63 नियरेस्ट इज 1.62, तो 1.62 ऑप्शन बी खत्म एंड दैट्स द एंड ऑफ केटीजी।